जबरदस्ती भेज रही हो आप स्कूल? आज फर्स्ट डे ही तो है, देखना कोई भी नहीं आएगा आज स्कूल, मैं ही बेवकूफ लगूंगी क्लास में बैठ के। डेढ़ महीने की छुट्टियों में भी तुम्हारा पेट नहीं भरा ना, अभी भी तुम्हें स्कूल नहीं जाना। इतनी छोटी नहीं रही अब तू जो बच्चों की तरह जिद करती है। बच्चों को खुशी खुशी जाना चाहिए स्कूल, दिन अच्छा जाता है पूरा। हाँ तो मैं स्कूल जाने के लिए कब मना कर रही हूँ, कम से कम कोई क्लास में बच्चा तो आए। और सिम्मी तो अभी तक हॉलीडेज मना के ही वापस नहीं आई है और आप मुझे स्कूल भेज रही हो। बहुत हो गए तेरे ड्रामे, जितना कुछ नहीं बोल रही है मम्मी तो सर पे चढ़े जा रहे हो। खुले किस लिए हैं फिर स्कूल जब बच्चे नहीं आएंगे क्लास में? तो ले एक पराठा और खा ले। खा तो लिया और कितना खाऊंगी, मुझे नहीं खाना। ये गड़बड़ी करने वाला है, तब तुम मुझे क्या बोल रही थी? आप खामखा मेरे भाई पे शक कर रहे हो, देखा अब मेरा शक सच में बदल गया कि नहीं? हाँ तो कैसा रहा वैकेशंस के बाद फर्स्ट डे स्कूल का? मैं तो कह ही रही थी अच्छा ही जाएगा, सारे फ्रेंड्स इतने दिनों बाद मिलोगे, पढ़ाई के साथ साथ गपशप भी करोगे। मैं अकेली थी पूरी क्लास में, कोई बच्चा नहीं आया था। और फिर टीचर ने भी सोचा ये अकेली आई है, इसको अकेले क्या पढ़ाएंगे, फिर मुझे दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दिया। और फिर पूरे दिन बोर होती रही, बोल रही थी मैं आपको। अच्छा चल गुस्सा मत कर, यूनिफॉर्म चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। अब एक हफ्ते मत जाना स्कूल, उसके बाद चले जाना ठीक है? मम्मी भी ना ट्रैप में फंस जाती है। वैसे ट्रैप थोड़ी ना था, 9-10 बच्चे ही तो आए थे क्लास में। एक हफ्ता हो गया मुझे इनके पीछे पीछे भौंकते हुए कि अरे ड्रेस पे प्रेस कर लो, स्कूल का बैग पैक कर लो, तैयारी कर लो, कल से स्कूल खुल रहे हैं। मगर नहीं, इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। माँ तो पागल है, बोलती रहती है बस। अब एंड टाइम पे याद आ रही है मम्मी की। ओ मम्मी जी मेरे सॉक्स कितने रखे ने? आ जा मेरे सर पे रखे हैं, उठा ले। नालायक, तुसी ते गुस्सा कर रहे हो मम्मी जी। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, पहले तुम्हें कोई चीज जगह पे रखनी नहीं होती है, फिर जब नहीं मिलती है तो मम्मी 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 करते हुए आते हो। जा जाके अपने स्कूल के शूज में चेक कर, अगर वहां भी ना मिले तो बैड के नीचे देख लियो। चंगा। आलो मम्मी जी तुसी मेरी टाई बना दो। इतना बड़ा गधा हो गया है तू, तुझसे अपनी टाई तक नहीं बनती? ओ मम्मी जी तुसी वधिया टाई बना दे हो ना। महीने की छुट्टियां क्या पड़ गई, सब कुछ भूल गए, मम्मी करे सब। क्या यार ये स्कूल वाले भी, स्कूल की टाइमिंग ही चेंज कर दी, पहले 9 बजे वाला ही सही था, अब और 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। मुझे तो स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा, देखियो कितनी तेज धूप हो रही है, गर्मियां कम थोड़ी ना हो गई हैं। स्कूल वालों को हमारी छुट्टियां एक्सटेंड कर देनी चाहिए थी। नहीं यार मैं तो कितने टाइम से एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए कि कब हमारे स्कूल खुलेंगे और कब मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलूंगी। इतना एक्साइटमेंट क्यों भाई, उन्हीं की शक्ल देखनी है पूरे साल, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। और तुझे पता है हमारी क्लास टीचर कौन बनने वाली है इस बार? कौन? अनीता मैम। मुझे भी ना त्रिशा ने बताया है, वैसे कन्फर्मेशन तो नहीं है अभी। नहीं यार वो हमारी क्लास टीचर नहीं बननी चाहिए, जीना हराम करके रख देगी यार। क्योंकि उनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हमारे पूरे स्कूल में कोई नहीं है। अभी तक सिर्फ एक पीरियड लगता था उनका, उसी में हमारी ऐसी तैसी करके रख देती थी। और जब क्लास टीचर बन जाएगी बस फिर तो पूरे साल झेलो। हाँ यार अपने पीरियड में नो वाटर नो वॉशरूम, मेरे पीरियड में कोई कहीं नहीं जाएगा चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो किसी की। और मुझसे तो वैसी चिड़ी रहती है, मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझसे अलग कर देती हैं क्लास में। और जब पूरी क्लास उनके कंट्रोल में आ जाएगी फिर तो पूरी तानाशाही दिखाएंगी मैम। जिस चीज का डर था वही हुआ, बन गई वो चुड़ैल हमारी क्लास टीचर। देखा नहीं था आते ही तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए, मेरी क्लास में कोई एब्सेंट नहीं होगा, अगर कोई एब्सेंट होगा तो 100 रुपीज फाइन लगेंगे।
बेटा आज से ना हमारी बची कुची फ्रीडम भी ना छिन गई। भूल कर भी कोई बच्चा बंक नहीं कर सकता क्लास, क्योंकि अगर उसके पास कंप्लेन पहुंची तो हमें ऊपर पहुंचा देगी सीधा। और ये प्रिंसिपल सर भी तो उसी की सुनते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मुझे तो लग रहा है उसे भी सेट कर रखा है इसने। यूटी 15 दिन बाद हमारे यूटी रख दिए, और आज तो सारे बच्चे स्कूल भी नहीं आए। जिस दिन आएंगे ना सर पे यूटी मिलेंगे उन्हें आते ही। ये मैम ने बोला होगा प्रिंसिपल सर को यूनिट टेस्ट के लिए, बच्चों के खून की प्यासी औरत। और ये हमारी क्लास ऊपर वाले फ्लोर पे किसने शिफ्ट की? इतनी गंदी सी क्लास है, बोर्ड भी टेढ़ा मेढ़ा लटका पड़ा है और सारी बेंचेस टूटी पड़ी है क्लास में। अरे वो हमारी क्लास में साइंस वालों को शिफ्ट कर दिया है ना, पता नहीं क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उनको। मतलब क्या है, हम कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमें टूटी फूटी क्लास में बैठाएंगे? हमारे साथ भेदभाव करेंगे? शिट यार, सिर्फ मुझे ही कैसे नहीं पता चला कि कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट वो जो सिमी है जो कि रेयर स्कूल आती है, उसे भी पता चल गया कि कल से स्कूल जाना है। सोचा था कि लास्ट के 3-4 दिन में सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ तो स्कूल कब स्टार्ट हो गए पता ही नहीं चला। मम्मी तो बिना स्कूल भेजे मानेंगी नहीं, क्योंकि वो तो कब से वेट कर रही थी कि कब हमारे स्कूल खुले और वो हमें स्कूल भेजे। एक रात में कैसे कंप्लीट करूं 6-6 सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क। चलो अदर सब्जेक्ट का एक बार को ना भी करूं तो चलेगा, लेकिन हेमा मैम और जतिन सर तो जल्लाद हैं जल्लाद। जाते ही बोलेंगे स्कूल कि लाओ अपना हॉलीडे होमवर्क सबमिट करो। उन दोनों का तो किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, चाहे पूरी रात क्यों ना जागनी पड़े। चल दीप हो जा शुरू, टाइम क्यों वेस्ट कर रही है अब। हाय जल्दी जल्दी में कितनी गंदी राइटिंग की है मैंने, पर कोई ना, कम से कम कंप्लीट तो हो जाएगा ना रात में। दीप बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? इसे क्या हो गया, रात को बिना खाना खाए तो कभी नहीं सोती है? देखो जरा क्यों नहीं खा। क्या बात है, स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी, समझदार हो गई है। चलो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यार आंखें बंद हो रही है, नींद आ रही है बहुत तेज। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठ के दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। आंखों में दर्द हो रहा है, हाथ भी थक गया। सात बज गए। ओह गॉड अब क्या करूं। दीप उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। नहीं यार अगर आज ऐसे स्कूल चली गई तो हेमा मैम और जतिन सर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। क्या करूं अब। आइडिया, पेट दर्द का नाटक करती हूँ मम्मी के सामने। कितनी आवाज़ें लगा रही हूँ तुझे, सुन क्यों नहीं रही है? वो मम्मी मेरा ना पेट दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। समझ रही हूँ तेरी चालाकी, स्कूल जाने के नाम पर पेट दर्द हो गया तेरा। ठीक है फिर
चल डॉक्टर के चलते हैं, ज्यादा ना बढ़ जाए। नहीं मम्मी इतना भी नहीं हो रहा। चल फिर मैं मेडिसिन देती हूँ तुझे, थोड़ी देर में आराम पड़ जाएगा। यार मम्मी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, और सच बताऊंगी तो ताने दे दे के मार देंगी कि मैं बोल रही थी ना कर लो अपना हॉलीडे होमवर्क, इससे अच्छा मुंह बंद करके निकल जाती हूँ। नहीं मम्मी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, मैं ना चले जाती हूँ स्कूल, ठीक हो जाएगा अपने आप। फंस गई हूँ यार, आगे कुआ पीछे खाई, जिधर जाऊँ आफत आई। ये देख न्यू पेंस, पेंसिल्स, कलर्स, और ये देख खुशबू वाली रबर। हाँ यार कितने क्यूट है ये, और कितनी अच्छी स्मेल है इनकी, ऐसे लग रहा है स्मेल ही करते रहो बस, है ना। और ये देख बैग में लगाने के लिए यूनिकॉर्न वाली की चेन, और ये देख पढ़ने के लिए टेबल लैम्प, अच्छी है ना। वाटर बोतल, लंच बॉक्स, बैग, सब कुछ न्यू ले लिया मैंने। हाँ अब टशन मारते फिरेगी सबको दिखा दिखा के स्कूल में। इस बार संभाल के रखूंगी सब, कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है मेरा हर बारी क्लास से, जब भी हम लंच के लिए बाहर जाते हैं या फिर गेम पीरियड के लिए जाते हैं तो। वैसे चोर तो बहुत है हमारी क्लास में, मुझे ना अपनी क्लास वाली पिंकी पे शक होता है, वही घुसी रहती है हर टाइम क्लास में। मैं तो प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट कर दूंगी इस बार, सारे आइटम्स न्यू है मेरे, कुछ भी चोरी नहीं होना चाहिए। सही है यार, इसके घर वाले इसे हर साल नई नई स्टेशनरी दिलवाते हैं। एक मैं हूँ, फिफ्थ क्लास से सेम बैग लेके घूम रही हूँ, कहते हैं जब ये फट जाएगा जब नया दिलाएंगे। एक वो कमीना बैग है, वो फटता भी नहीं है। मन तो कर रहा जिस दिन गुस्सा आएगा ना उसे कैंची से काट दूंगी। तूने कर ली स्टेशनरी शॉपिंग? अच्छा वो तेरा पुराना स्टेशनरी आइटम, उसका क्या करती है तू, वो भी तो न्यू जैसे ही होता है ना। सिंपल, छोटे बहन भाई को दिलवा देती हूँ। मेरे भाई बहन तो बहुत कमीने हैं, वो तो मुझसे भी पहले नया ले लेते हैं, वो लेते ही नहीं है पुराना सामान। बाजार में भिंडी और टमाटर धुआं उठा रखा है, इतनी महंगी हो रखी है। भाभी भिंडियां तो बड़ी ताजी ताजी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी पेड़ से टूट के आई है बिल्कुल। हाँ हाँ अभी तो तोड़ के लाई हूँ। ऐसी तो बाजार में भी नहीं मिलती, कहाँ से तोड़ के लाई हो भाभी? अच्छा तो क्यारी नहीं देखी आपने मेरी, घर के बाहर जगह खाली पड़ी थी, मैंने सोचा इस बार सब्जियां ही बो देती हूँ। हाय दिल खुश हो गया सुन के। हाँ और क्या, भिंडी टमाटर हरी मिर्च सब बो दिया, मैं क्या इस बार ताजा सब्जियां तोड़ के खाएंगे। सच में भाभी ताजी ताजी सब्जियों का ना स्वाद ही अलग होता है। यकीन नहीं मानोगी हद से ज्यादा भिंडियां उतर रही हैं, ले जाना अब भी तोड़ के। बस कह दिया आपने, अब मैं भी भिंडियां लेके जाऊंगी, आज शाम को भिंडियां ही बनेंगी। मम्मी 3 3 जा कितना होता है? ये देखो 5 तक टेबल याद कराए थे इसे, 1 महीने की छुट्टियों में सब भूल गए बच्चे। आज स्कूल की डायरी में भी मैम ने लिख के भेजा है कि राइटिंग इम्प्रूव करवाओ, अब 1 महीने बच्चों ने कुछ भी लिखा ही नहीं है, तो आदत ही नहीं रही लिखने की, बस लिखना भी भूल गए। खैर चलो छोड़ो, अब हो गए हैं स्कूल स्टार्ट, आ जाएंगे अपने आप ट्रैक पे। मम्मी बता दो 3 3 9 होता है बेटा, 3 3 9। बॉल पेन ही ले लेती हूँ, यही ठीक चलते हैं। मम्मी मुझे ये वाली पेंसिल चाहिए। बेटा इनसे लिखा थोड़ी जाता है, बस दिखावे के लिए होती है ये, तो 2 4 दिन में खराब हो जाती है। रुक नटराज पेंसिल निकालना भैया जरा। हाँ ये है देख, अच्छी और मजबूत पेंसिल्स, बहुत अच्छी राइटिंग आती है इससे। हाँ भैया ये और कर देना। ओ मम्मी जी ने मैनू ते कुछ दिलाना नहीं है। पंजाबी
ए वधिया लग रहा स्पाइडरमैन हूँ की करा कि लेवा मीत नू बोल दा मीत अथिया वधिया लग रहा है ना मम्मी जी नू कह मैनू यह पसंद है मैनू लेना है मम्मी मुझे ये चाहिए बेटा तेली पेंसिल बॉक्स ले तो लिया मैंने ओ मम्मी जी वधिया तो लग रहा है एनी जिद कर रही है तो दिला दो अनु अच्छा तो इसका सिखाया हुआ बोल रही है ओ मम्मी जी मेरे वास्ते ले लो फिर अभी है ना तेरे पास नया ज्योमेट्री बॉक्स फिर क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है फालतू के खर्चे करने की जिस चीज की जरूरत है वो लो सिर्फ जो लिस्ट बनाकर लाई हूँ ना मैं सिर्फ वही लेंगे एक पैकेट चाय पत्ती का चीनी भी एक दो टाइम की बच रही होगी मंगाई लेती हूँ 5 किलो चीनी मम्मी मैं ना सारी बुक्स लेकर स्कूल जाऊंगी बेटा सारी बुक्स का क्या करेगी बैग बहुत भारी हो जाएगा मैं देख के बताती हूँ तेरी स्कूल की डायरी में कौन सी बुक ले जानी है ला डायरी दे मुझे मम्मी मुझे ना न्यू वाली पेंसिल और न्यू वाला पेंसिल बॉक्स दे देना हाँ बेटा अब तो मीत 3rd क्लास में आ गई है खूब पढ़ाई करेगी मन लगा के है ना फर्स्ट आएगी क्लास में चार किलो अरहर की दाल ओ वीरे रिवाइव दे मैनू ओ शेती कर वीरे चल अपना बैग पैक कर ले अच्छे से हुण कित्थे घूमने जाना मम्मी जी हल्ले तक घूम के आए हैं स्कूल का बैग पैक करने बोल रही हूँ नालायक ओ मम्मी जी मैनू कुछ याद नहीं आ रहा ओ नहीं नहीं मम्मी जी आ गया याद कदों स्टार्ट हो रहे ने साडे स्कूल कल से ओ भाई छुट्टियां कदों मुक गई मैनू पता ही नहीं लगा और ये फोन मुझे दे ला बहुत खून पी लिया तुम लोगों ने मेरा और अब ना ये फोन नहीं होना चाहिए हाथ में किताबें होनी चाहिए इसकी जगह बहुत मौज मस्ती कर ली तुम लोगों ने ओ मम्मी जी हल्ले तो 8 बजे ने और इस बार ढंग से पढ़ लेना तुझे पास करवाने के लिए रिक्वेस्ट है ना करनी पड़े मुझे स्कूल में और ना पढ़ना हो ना वो भी बता देना तेरे पापा से कह के साइकिल की दुकान पे बैठा दूंगी बस जोड़ते रहना पंचर और भरते रहना साइकिलों में हवा ओ नहीं मम्मी जी करनी है मैनू पढ़ाई बड़े होके मैनू एंटरप्रेन्योर होता है गधे ओ हाँ ओ ही मम्मी जी वड्डा बिजनेसमैन बनाऊंगा मैं सच में गधाई है ओ यार एनी छेती स्कूल स्टार्ट हो गए ने हुण मैं पबजी किद्दा खेलूंगा हे गाइस कैसे हो सारे होप सारे बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप कि सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना सबके साथ शेयर करना फ्रेंड्स कजिन्स किन्स सबके साथ शेयर कर दो और सबको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोग भी कर लेना जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और हाँ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए लव यू ऑल चलो एक बार को अदर सब्जेक्ट का ना भी करूं तो चलेगा लेकिन जतिन मैम जतिन सर हाँ हेमा मैम करो फिर से मोटे दिखावा बहुत करता है तू मेरे को लगा मेरा हो जाएगा सैंडविच में देखना डायलॉग दो अभी क्या दिया था अरे सुना नहीं ये देख सब बता अभी से लेट हो रहा है जल्दी कर ये देख अरे गौरव अभी सीन है हमारा पागल हो गया कल खुद मार रहे थे कर दिया काम इस बार संभाल के रखूंगी सब कुछ कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है हर बारी मेरा क्लास क्या होता है मेरे रानी नहीं